Assalamualaikum. After midterms, this is our first topic and it's all about photosynthesis. Photosynthesis is basically a process in which light energy from sun is changes into chemical energy. Photosynthesis plants, algae, prokaryotes के अंदर होती है. Most of the plants photosynthesis करते हैं और photosynthesis एक ऐसी process है जिसके through plants अपने फूड अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. विदाउट फोटोसिंथेसिस कोई भी जो प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता, बिकॉज फोटोसिंथेसिस ही उनको हेल्प आउट करती है कि वो अपना फूड प्रिपेयर करें और अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को ठीक तरह से कंप्लीट करें. और अगर प्लांट एनर्जी बनाएंगे तो ही बाकी के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट को यूज़ करकर अपनी एनर्जी बनाएंगे. जैसे कि प्लांट को अगर कोई एनिमल खाता है तो उस एनिमल को प्लांट की एनर्जी मिलेगी, फिर उस एनिमल को अगर कोई ह्यूमन खाता है तो प्लांट और एनिमल दोनों की एनर्जी ह्यूमन के अंदर जाएगी, या फिर प्लांट्स को डायरेक्ट ह्यूमन खुद भी यूज़ कर सकते हैं. फोटोसिंथेसिस के जो ये प्रोसेस है इसके अंदर मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, और जब ये रिएक्शंस एंडिंग की तरफ आते हैं तो इनके जो एंडिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन. आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर लाइट एनर्जी किस तरह की एनर्जी के अंदर चेंज होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर यूज होती है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन है, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, और कार्बोहाइड्रेट किस तरह से बनता है, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बनता है, ये चीज़ भी आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि कौन सी दो चीज़ें कंबाइन होती हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को कहते हैं. यहाँ पर फिर से उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया गया है. ये जो हेडिंग है इसको आप काट देंगे और इसकी जगह पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो बेसिकली अगर प्रिंसिपल रॉ मटेरियल देखा जाए फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिनके कम्बिनेशन से बाद में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. सबसे पहले प्लांट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और फिर वही सनलाइट एनर्जी यूज होती है प्लांट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको स्प्लिट करने के लिए. वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है. जैसे कि आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो वाटर के ब्रेकडाउन होने से H हाइड्रोजन के लिए स्टैंड करता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और वाटर ऑक्सीजन जो है वो O जो है वो ऑक्सीजन को शो करता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के स्प्लिट होने से अलग अलग हो जाएंगे. तो इस तरह से मीन्स सबसे पहले प्लांट ने सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की क्लोरोफिल की हेल्प से. जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके बाद वो वाटर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे. फिर जो हाइड्रोजन यहाँ से वाटर के स्प्लिट होने से रिलीज होगी वो जाके कंबाइन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के थ्रू प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होती है. ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं. फिर प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के तौर पे या फिर एंड प्रोडक्ट के तौर पे, तो उसको ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं. मीन्स के प्लांट जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स यूज करते हैं, और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसको ह्यूमन बींग यूज करते हैं. तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की इन्वायरमेंटली हेल्प आउट करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे, जिस तरह से 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज भी कहा जाता है. ये एक शुगर होती है और ये फोटोसिंथेसिस के एंड पे बनती है. जैसे कि आपने ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस देखा है, नेक्स्ट डिफरेंट प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर. मल्टीपल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं, फिर जाके एक पूरे के पूरा प्रोसेस कम्प्लीट होता है. यहाँ पर एक इक्वेशन दिखाई गई है जो कि फोटोसिंथेसिस को समराइज करके दिखाई गई है. मीन्स के मल्टीपल रिएक्शंस को यहाँ पे शो नहीं किया गया, एक ओवरऑल
रिएक्शन शो किया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कंबाइन होने से ग्लूकोज जो है वो बनता है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन और वाटर भी फोटोसिंथेसिस की एंड होने पे रिलीज होते हैं। तो ये इसके जो हैं ये कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं और इनके कम्बिनेशन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, बेसिकली आपको पहले भी बताया है कि इसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसकी बेसिकली टू स्टेजेस जो है वो इसको बेसिकली टू स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। रिएक्शंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन अगर स्टेजेस की बात की जाए तो इसको टू स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है, या फिर जिसको फोटो पार्ट भी कहा जाता है। फोटो स्टैंड फॉर लाइट, तो इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है या फिर फोटो पार्ट भी फोटोसिंथेसिस का कहा जाता है। और दूसरा है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, और कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का सिंथेसिस पार्ट होता है, जिसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस के होने से कोई ना कोई चीज़ जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो रिसीव होता है। फोटोसिंथेसिस की ये दोनों स्टेजेस अलग अलग पार्ट्स के अंदर होती हैं। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं वो थायलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप ये पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट उसकी ऑर्गेनेली है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फर्दर थायलाकोइड मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रोमा भी प्रेजेंट होती है। तो आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कौन से पार्ट में होता है, थायलाकोइड के अंदर, और कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन कहां पर होता है, स्ट्रोमा के अंदर, और इसकी कितनी स्टेजेस हैं, टू स्टेजेस हैं, और इसके अलावा उन स्टेजेस के नेम्स क्या क्या हैं। इसके अलावा आपको इसकी फोटोसिंथेसिस की ये जो शॉर्ट सी एक इक्वेशन दी गई है फाइनल, ये भी पता होनी चाहिए, और किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं इनका भी आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आपसे दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसके अंदर आप सिर्फ लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप लिखेंगे कि इट इज फॉर्म फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये वाला दो नंबर के क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे यहाँ से द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस से लेके ऑक्सीजन तक। ये आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है।